नेम आपसे मांगा जा रहा है और यहाँ से कैंसल्ड हटा दिया गया है चेक से पहले। इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन फ्रेंड्स, यदि आप भी किसी कंपनी ऑफिस या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपके पास भी एक यूएन अकाउंट नंबर है, आपका भी ईपीएफ डिडक्ट होता है हर महीने, और फ्रेंड्स आप यदि अपना पीएफ विड्रॉल करना चाहते हैं और पीएफ विड्रॉल करते समय अपने यूएन पोर्टल पे आप अपना चेक अपलोड करना चाहते हैं और उस चेक में आपका नाम नहीं है, और फ्रेंड्स आप ये जानना चाहते हैं कि यदि नाम नहीं है चेक बुक में तो उसे आपको अपलोड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और जब आप अपलोड करते हैं तो उसमें कैंसल चेक अपलोड करना है या फिर सिंपल चेक अपलोड करना है, तो फ्रेंड्स यदि आप भी जानना चाहते हैं, वो लाभ उठाना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, इससे आपको काफी हेल्प मिलने वाला है। हम अपने यूनिफाइड पोर्टल पे लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम जैसे ही जाएंगे ऑनलाइन सर्विसेज पे और यहाँ पे क्लेम फॉर्म आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम प्रोसेस है जो कि हमने देखा था पिछले वीडियो में। यहाँ पे आपको अपना जो अकाउंट नंबर है वो 4 डिजिट एंटर कर लेना है और वेरीफाई करने के बाद ये प्रोसेस कर देना है। ये अभी हम जो प्रोसेस कर रहे हैं वो ऑनलाइन क्लेम का प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स जो इसमें चेंज हुआ था अभी रिसेंटली, तो इसमें 2 बार चेंज हो चुका है और काफी कंफ्यूजन है इन चेंज को लेकर के, काफी लोगों के कमेंट्स भी आए हैं। तो अभी फिलहाल में हम देख लेते हैं कि किस के लिए हम बात कर रहे हैं। तो अभी हम ऑनलाइन फॉर्म कर लेते हैं 19, और जब आप यहाँ पे ओपन कर रहे हो ना तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अपलोड स्कैनेड कॉपी ऑफ चेक या फिर पासबुक, यानी कि आपको यहाँ पे एक कॉपी अपलोड करनी है अपने चेक की या तो पासबुक की। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन भी देखने को मिल जाएगा कि जो आपको फाइल अपलोड करनी है यहाँ से चूज करके आप अपलोड कर सकते हैं। इसका ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बनाया हुआ है, दो बार ये चेंज हुआ है इसलिए 2 वीडियो बनाया हुआ है। काफी उस पर प्यार भी आप लोगों ने दिया है, लेकिन अभी इसमें कन्फ्यूजन है वो हम दूर करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनली जेपीजी या फिर जेपीईजी फाइल जो है आप अपलोड कर सकते हैं, जो उसकी साइज का मिनिमम साइज है वो 100 KB है, अभी जो करेंटली चल रहा है वो 100 KB है। इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और फ्रेंड्स उसके बाद जो मैक्सिमम साइज है इसका 500 KB है, कैसे अपने फोन से आप कन्वर्ट कर सकते हैं ये भी मैंने बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो साइज को लेकर के काफी लोग कमेंट करते हैं, सर पहले आपने बताया था कि 50 KB ही अपलोड कर सकते हैं 50 KB तक, तो लेकिन अब आप बता रहे हो कि 100 KB से 500 KB। तो मैं फ्रेंड्स बताना चाहूंगा आपसे कि इसमें चेंज हो चुका है। पहले ईपीएफओ ने 50 KB रखा था मैक्सिमम साइज, जिसमें कि काफी दिक्कत आ रही थी, 50 KB की फाइल की क्वालिटी है काफी कम हो जाती है, वो विजिबिलिटी सही नहीं होती है, कोई पढ़ नहीं पाएगा जल्दी कि क्या लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसलिए ईपीएफओ ने यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया जो कि अब आप करेंटली अपलोड कर सकते हो 100 KB से 500 KB के बीच का फाइल। उसके बाद फ्रेंड्स काफी लोग कमेंट ये करते हैं कि सर इसमें क्या क्या विजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम करेंट की बात कर लेते हैं, पास्ट का भी मैं दिखाऊंगा आपको जो ईपीएफओ का जो अपडेट था पास्ट का वो क्या था। तो अभी जो करेंट है उसमें ईपीएफओ ने क्लियर कर दिया है कि आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो क्लियर होना चाहिए, आईएफएससी कोड जो है वो क्लियर होना चाहिए, और उसके साथ साथ नेम भी क्लियर होना चाहिए, ये भी विजिबल होना चाहिए, ये भी दिखना चाहिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो स्कैनेड कॉपी है वो रीडेबल होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल पढ़ने में आना चाहिए कि उस पर क्या लिखा हुआ है साफ साफ तरीके से, वो धुंधला नहीं होना चाहिए और उसकी क्वालिटी इतनी डल भी नहीं होनी चाहिए कि उसमें दिखे ही नहीं, वो कितना भी बढ़िया इमेज है लेकिन उसमें दिखे ही नहीं कि क्या लिखा हुआ है। उसके बाद इनकेस यदि आपका जो स्कैनेड अपलोड फाइल करते हैं वो पढ़ने योग्य नहीं है, रीडेबल नहीं है, तो आपका क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा ईपीएफओ की से। तो ये आप बिल्कुल लिखा हुआ है साफ तरीके से, जो इंस्ट्रक्शन है ईपीएफओ का वो आप पढ़ लीजिए कि आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, प्रीव्यू पहले देख लीजिए उसके बाद अपलोड कीजिए, सबमिट कीजिए अपने क्लेम को। और फ्रेंड्स अब आ जाते हैं जो पिछला अपडेट है, क्योंकि काफी लोग का डाउट होता है कि सर आपने पहले बताया था कि नेम नहीं हो तो भी चल जाएगा, वो किस बेस पे बताया था, क्या वो सही था, काफी लोगों ने कमेंट किया था कि आपने गलत बता दिया था, तो वो भी हम इस वीडियो में क्लियर करें कि किस बेस पे हमने बोला था और ईपीएफओ के द्वारा ही पहले अपडेट ऐसा था।
अब हम आ जाते हैं अपने जो पिछले अपडेट थी ईपीएफओ की तरफ से, उस पे उसका कुछ इंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप से था, आप देख सकते हैं। उसमें केवल ये लिखा होता, पहले तो ये उसमें मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों के कमेंट ये आते हैं कि सर हम स्कैनिड जो चेक है वो कैंसल्ड अपलोड करें या फिर सिंपल करें। तो देखिए, पहले जो ईपीएफओ का कहना ये था कि आप कैंसल्ड चेक अपलोड करें, देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो कि ये कह रहे हैं कि गलत बता दिया गया है, उनके लिए यहां पे आप देख लीजिए बिल्कुल लिखा हुआ है साफ साफ तरीके से कि अपलोड स्कैनेड कॉपी ऑफ कैंसल्ड चेक या फिर पासबुक, यानी कि कैंसल्ड चेक पहले मांगा गया था ईपीएफओ के द्वारा, इसलिए हमने जो पहले, जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले ही अपडेट दे देते हैं जो भी अपडेट आता है आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन थी ईपीएफओ के द्वारा जो रिक्वायरमेंट थी वो चीज़ हमने बताया हुआ था पिछले वीडियो में। आप देख लीजिए इसमें जो अभी वर्ली जेपीजी जेपीईजी इसमें जो इंस्ट्रक्शन था थोड़ा कम था, और उसके बेस पे ही हमने जो पिछला वीडियो बनाया हुआ था उसमें बताया गया था। आप देख सकते हैं इसमें जो फाइल के भी थी वो 50 के भी थी, मैक्सिमम 50 के भी थी जो सपोर्टेड फाइल। आप देख सकते हैं ये ईपीएफओ की वेबसाइट है और उसी के वेबसाइट पे ही हम बता रहे हैं, उसी का इंस्ट्रक्शन ही हम लोग बता रहे हैं। आप साफ तरीके से ईपीएफओ के द्वारा लिखा हुआ था कि आपका बैंक अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड शुड बी विजिबल, यहाँ पे कहीं नाम का जिक्र नहीं किया गया था ईपीएफओ के द्वारा, यानी कि केवल दो चीज आपका क्लियर है तो आप अपलोड कर सकते थे, बैंक अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड शुड बी विजिबल ऑन स्कैनेड कॉपी ऑफ कैंसल्ड चेक या पासबुक। तो फ्रेंड्स, पहले का जो इंस्ट्रक्शन था ईपीएफओ का वो कुछ इस टाइप से था, अगर ईपीएफओ अपने इंस्ट्रक्शन को चेंज नहीं करता उस कंडीशन में आप अपना जो नेम यदि नहीं है आपके चेकबुक पे तो भी आप अपलोड करके और आसानी से अपना पैसा ट्रांजेक्शन कर सकते थे, लेकिन अभी क्या है ईपीएफओ ने नियम चेंज कर लिया है तो इसलिए आपको बेहतर यही होगा कि आप कैंसल चेक तो अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप सिंपल करना चाहते हैं तो सिंपल कर लीजिए, और बाकी क्योंकि अभी ईपीएफओ ने तो ये कैंसल चेक हटा दिया है, दूसरे में आप देख सकते हैं, मैं जूम कर देता हूं, आप देख लीजिए ये जो इंस्ट्रक्शन है ईपीएफओ का, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि नेम आपसे मांगा जा रहा है और यहाँ से कैंसल्ड हटा दिया गया है चेक से पहले, तो आप सिंपल भी अपलोड कर सकते हैं, सिंपल ही कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत है कैंसल चेक अपलोड करने में तो। और उसके बाद फ्रेंड्स, आप कुछ इंस्ट्रक्शन भी बढ़ा दिया गया है ईपीएफओ की तरफ से तो वो भी पढ़ लीजिए, और इसके अकॉर्डिंग यदि आपका जब नेम है वो विजिबल नहीं होता है, क्योंकि अब तो नियम चेंज कर दिया ईपीएफओ ने, इसमें लिख दिया है साफ तरीके से कि आपका बैंक अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड और नेम शुड बी विजिबल, यानी कि ये अब तीनों चीज़ आपका बिल्कुल ना चाहिए, विजिबिलिटी होनी चाहिए तो ही आप क्लेम कर सकते हैं, अन्यथा आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा ईपीएफओ की तरफ से। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको जो चेकबुक है उससे रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाए होंगे कि क्या आपको कैंसल चेक अपलोड करना चाहिए, या फिर हमने पिछले वीडियो में क्यों बोला था आपसे कि आप कैंसल चेक ही अपलोड कीजिए, या फिर पिछले वीडियो में हमने क्यों बोला था कि आप यदि नेम नहीं है तो भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो आपके पास भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है या फिर सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका भी रिप्लाई मैं जल्द जल्द देने का प्रयास करूंगा। और फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड और सारी वीडियो देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं, और यदि आपको नहीं मिलता है किसी कारणवश इसका लिंक तो आप नीचे कमेंट कीजिए, आपके डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इसी के साथ फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।